बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। All right, Kutir Rizaz, welcome to Bol Entertainment, Pakistan's number one entertainment show. And this is Katak Kat Show, Pakistan's number one entertainment show. This time, you guys are Pakistan's number one audience. I am Pakistan's number one host. My guest is here, who is Pakistan's number one guest. In his field, he is number one. And this time, Pakistan's team is also number one. Because tomorrow, the final is going to happen, inshallah. And the whole hope is that Pakistan's prayers are with us, that we take this cup, Asia Cup, to our home. Because this time, Naseem Shah and our Asif Ali, शेर गए हैं, इन्होंने धाड़े मार मार के इस वक्त पछाड़ दिया है सबको। लेकिन इस वक्त तमाम वो हजारों पर खवातीन जो कि इत्तेफाकन हमारी इस महफिल इस बैठक इस कचहरी का हिस्सा बन चुके हैं, तो यकीन जानेगा बहुत ही मुलायम ठंडा ठार सिल्की सा इत्तेफाक रहेगा। ये वही इत्तेफाक है जिसमें वक्तन फवक्तन बरकत होती रहेगी। अगर तो अगर से गलती से रिमोट पर हाथ लग गया और आपने अचानक से स्क्रीन लगाई और स्क्रीन पर देखा कि यार जैन क्या क्या ट्रेन की तरह बोले जा रहा है, तो बेसिकली ये मेरा रिवायती लिंक है, इसको कम्प्लीट करना भी मेरा ही फर्ज है। लेकिन इस वक्त तमाम वो लोग जो कि स्क्रीन के आगे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि उनके किस रिश्तेदार का आज कब कटाकट बनना है। देखिए, कहते ना कि अपने ही गिराते हैं समोसों पर चटनियाँ, तो आप ही लोगों की बेसिकली वो रायते और चटनियाँ जो आप फैलाते हैं वो फिर आखिर में मुझे समेटना पड़ता है। इस कटाकट शो में आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ कराने से पहले दोनों का मैं ये बता दूं कि आज का शो जो है ना बहुत म्यूजिकल होने वाला है। और आज का शो तुमको दोगुना लगान चढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मेरे जो गेस्ट हैं उनकी कॉल मुझे नहीं लगता कोई पिक करेगा, और अगर तो कोई करेगा वो बेचारा फंस जाएगा, वो मर जाएगा। मैं इतनी देर से मरा पड़ा हूँ तो मैं सही बता रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है इनाया खान एंड वाहिबा, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इनाया। अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। वाहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? कटाकट का पता है क्या क्या होता है? ओके, सबसे पहले मैं आप दोनों को वेलकम कहूंगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे से मेरी टीम लगी हुई थी कि किस तरह से आपका वीजा लगवाएं, किस तरह से आपके टिकट्स के पैसे जमा करें, हमारे जितने भी व्यूज के पैसे यूट्यूब से हमने जनरेट किए उसका टिकट मंगवा के आपको बुलाया है। आप आ नहीं रही थी। बस क्या बताऊँ, मुझे मैं वेट करना चाह रही थी, मतलब मुझे बड़ा एक शौक था कि मैं लोड शेडिंग देखूँ एक तो, ठीक है, और ये खड्डों में खड्डों में गिरूँ, हाँ, मोबाइल हाँ, और क्या पता स्नैचर दिख रहा हो। ठीक है, आप प्लीज मेरा मोबाइल मत देना, सब कुछ मोबाइल लेना बस। सेकेंड ये कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान अपना मुल्क है तो अच्छा लगता है यहाँ आना। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे कि हमें यहाँ पे दिस इज आवर पहचान, टू बी ऑनेस्ट। चलें तो पहचान, आपको पता है कटाकट क्या होता है? पता कटाकट करता आज मैं तेरा कटाकट करूंगी। इसके अंदर की साया टू आ गई। ओके रिसेंटली आई वाज डूइंग दिस प्लेस साया जिससे मेरा कैरेक्टर काफी हिट हुआ था। अच्छा, वो क्या क्या आपको देख के अंदाजा लगा लेता कि ये चुड़ैल अच्छी लगेगी? Oh, wow. ये बहुत खूबसूरत चुड़ैल है या फिर क्या खुद सोचा था आपने कि यार? Well, to be honest, मुझे हमेशा से बहुत शौक था कि मैं एक हॉरर प्ले करूं। हॉरर मूवीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट। डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा, बल्कि मैं अब डराती हूँ। मेरी अम्मी मेरे साथ घर में अकेली नहीं रहती, वो कहती है कि अकेले नहीं बनाऊंगी मैं इसके साथ, मुझे लेके जाओ। मतलब खुद अभी इसकी पर्सनालिटी ऐसी हुई है कि बैठे बैठे अगर बातें करते करते कहते ना तो यहाँ पे अम्मी सब भाग जाए। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब मुझे ना बस एक है, आई लाइक क्रीपी स्पूकी। अच्छा, आपको इनको डराना होगा, मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन वाहिबा आपको भी जी मैं बहुत बहुत खुश आमदेद कहूंगा, बहुत मासूम और खामोश तबीयत लग रही है। हाँ, नहीं है आपके मासूम? नहीं है? अच्छा, ऐसी कोई चीज बताएं जिससे हम मान लें कि आप मासूम नहीं है। मैं मासूम नहीं हूँ, लोग मेरा फेस देख के बता देते हैं आई एम नॉट इनोसेंट। अच्छा, क्या करती हो वाहिबा? वाहिबा नाम का मतलब क्या है? सो ये अरबिक नेम है, इसका मतलब है गिव इट ऑनर। ओके, यप। तो ये किसने रख दिया आपने? मेरे पेरेंट्स ने। अच्छा, नहीं होता ना कभी कभी आपकी फैमिली में दादा नानी की भी तरफ से नाम आता है कि हमारे पोती का नाम ये रखो? दे आर सर्चिंग ऑन नेट। आजकल के माँ बाप तो नेट पर सर्च करते हैं, पहले तो निकलता था नाम। वो तो मैं तो अभी से सोच रही हूँ यार। डिसाइड कर लिया? सोच लिया मैंने। क्या क्या नाम है अभी तो बता दो ना, इसके लोग चुरा लेंगे ना। हाँ, ये चुरा लेंगे। मेरी बात सुनो, पता है क्या होगा, हमें क्लिप मिल जाएगा वायरल करने के लिए। जल्दी से बता दो इनाया खान के बच्चों के दो नाम। चलो एक बच्चे का नाम बता दो। आई रियली लाइक द नेम दुआन। दुआन के लिए दुआन। ओके, अच्छा, दुआ से दुआन। या इट्स अ दुआन, सो इट्स लाइक
लड़के का नाम जो कि मुझे अच्छा लगा तो ओके तो आपने सोचा मैं रखूंगी अपने बच्चे का रखूंगी देखिए खबरदार तुम लोग नहीं ये किसी और ने रखा नहीं नहीं अच्छा भाई कॉपीराइटेड इनका वो है ये क्लिप ये स्ट्राइक मार देंगी आपको अगर आपने इनके बच्चे का नाम चुराया सर अभी या इसने मेरे एक एक्चुअली टर्किश ड्रामा में देखा ओके अच्छा पुर्तगाल रख लेंगे किसी का एक का पुर्तगाल हां ओके वो आप रख लिएगा नहीं नहीं मैंने रखे हैं मेरे नाम हुए मैं हैं हां यू हैव अ किड क्या कितने दो माशाल्लाह माशाल्लाह तो मेरा कोटा पूरा हुआ है आप लोग आप नहीं सोचे मुझे बताओ क्या करती हो तुम और क्या करना चाहती हो लाइफ में और क्यों तीन सवाल हैं तुम्हारे पास ओह सो करेंटली आई एम स्टडिंग मास कॉम एंड व्लॉगिंग आल्सो व्लॉगिंग ही करनी है आगे जाके मुझे अच्छा लगता है अपने सारे मोमेंट्स को कैप्चर करना ये वो इसलिए व्लॉगिंग तो ये व्लॉगिंग एक प्रोफेशन आई थिंक अब बन चुका है या प्रोफेशन टिकटॉकर्स एक अलग कास्ट बन चुकी है अब तो काफी ऐसा भी हो गया कि व्लॉगर्स आ गए टिकटॉक पर अपनी वो व्लॉग की जो प्रमोशन है वो वही कर रहे हैं टिकटॉक पे आप भी व्लॉगर टिकटॉकर हो यस बिल्कुल क्यों नहीं आज की दुनिया में कौन नहीं टिकटॉकर व्लॉगिंग करती हो या आई हैव अ YouTube चैनल आप दोनों एक ही उसके आप दोनों आई हैव अ YouTube चैनल आई यस आई एम अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर Instagram पे तो मैं मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह भी बनाती हूं अच्छा किससे इंस्पायर हो Who am I inspired to? Okay, let me. There is this. It's she's a beauty influencer. She's from. Okay, she's from Afghan. क्या हो गया मैं तभी ना मैं तो कि नेशनलिटी सब भी तभी भी आजकल अफगानी है एंड शी एंड हर नेम इज अमरजान सो शी अमरजान या मरजान मरजान ओके मरजान सो शी इज रियली टैलेंटेड आई लाइक हर स्किल्स सो मैं उसको थोड़ा बहुत ये कि देख लेती हूं कि आई लाइक दैट पार्ट तुम फूड ब्लॉगर या ना डेली ब्लॉगिंग लाइक डेली ब्लॉगिंग में कहती क्या हेलो आई एम हाय गाइस नो डोंट नॉट गई हूं अम्मी ने बनाया है नॉट एट ऑल फिर क्या होती है मैं डेली ब्लॉग में क्या लाइक ऐसा Not daily, like ऐसा ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के होते हैं जो भी इवेंट्स हो गए तो वो दिखा देती हूँ लाइक क्या कहीं गए डिनर पर तो वो बना देती हूँ अच्छा आगे क्या करना है यही करना है या एक्टिंग की तरफ आना है या मॉडलिंग की तरफ जाना है अच्छा हमें कॉल की तरफ जाना है मैं चाहूंगा कि हम लोग पहली कॉल मिलाएं और पहली कॉल करोगी तुम ठीक है इस बंदे का आज ऐसा होने वाला है हाल क्योंकि उसको पता नहीं है कि कॉल कहाँ से आ रही है आपने इंग्लिश में बात करनी है थ्रू आउट आपने उर्दू में बात नहीं करनी चाहे वो रोना शुरू कर दे आपने उर्दू में बात नहीं करनी ठीक है दूसरी चीज आप यूएस एम्बेसी से कॉल कर रही है और आपने उसको बोला आपका वीजा निकला वीजा निकला यूएस एम्बेसी से हाँ आपको रेजिडेंशियल वीजा परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है और आप लकी हो ये हो वो हो तो आप अपने पासपोर्ट लेके आ जाओ इस तरीके से आपको ना प्रॉपर उसको बनाना है कटाकट ओके लेकिन सिर्फ इंग्लिश English में Only in English. खवातीन हज़ार चलते हैं आज के पहले कटाकट की तरफ आइए अच्छा आप US Embassy से कॉल कर रही हो ठीक है So we have to wear headphones? Okay, okay, sure. क्योंकि हमारा नया सेट है इस नए सेट पे हमें कुछ नए गैजेट्स मिले तो हम लोग कॉल मिलाएंगे यहाँ से Let's see. Hello. Hello, hi. This is Sarah here from the US Embassy. I wanted to talk about that you have just got selected for the US visa. Are you interested? I didn't call anything about visa. Really? But we just selected you. Are you interested in this? How did you select me? Well, that's a good question here. So we had your information from the U.S. Embassy. Okay, tell me about. So we were actually getting some visas coming out, and we kind of thought that you should get the opportunity. So are you interested? Please send me your details if yes. First of all, tell me that what kind of work I can do. Well, there and are a lot of... What kind of work do you want from me? There's many opportunities. If you want, we can keep you as... How many opportunities do you have? That's exactly what I'm talking Just about. Tell me. Yeah, that's exactly what I want to talk about. Well, you can have either be a wait... First of all, you have to... You have to just check your telephone set. In this technological era, you are talking to me very bad quality of voice. Okay? Yeah, I'm so sorry. I'm gonna head out to my head office and give a complaint. I'm really, really sorry about that. No, is this your head office standard that you are... talking to me in a very distorted sound sir you know what I totally I cannot I'm totally, hear you properly I am totally I cannot, recording your voice just notes listen me hey
Just listen me. Sir, you may continue, please. What's that? I cannot hear you properly. And you said to me that you are talking about visa, about work. What is this? What do you do in Pakistan? I am a landlord in Pakistan. Okay? A landlord. Okay. So do you want to have any... Can you please tell me what's your budget? Like, what's your salary budget so we can have you like a better opportunity in USA? Why should I tell you my salary? Why should I tell you my about my wealth? So we can get the off. So we can like properties. Actually get the information and get you a better Who job in you? USA. Are you married? No, I didn't marry. Oh, okay. So what we can do is we can find you a great woman in the USA as well who can actually give you the whole sponsorship thing. If you're interested, please let me know. Send me your details. If you're all woman with you. Sorry, sir. Are you feeling bad about this? This is a really lifetime opportunity. How can you not accept this? You said to me that you will give me women? How dare to think about like this? Should I? Hi, Salam. I just wanted to say that I'm so sorry. Okay, tell me, what do you want? What's your dream job in USA? I'll definitely talk about that with my head office so we can get you a visa through that. Why do you want to give me a job in USA? USA. Okay? Okay, sir. So sorry you for that. Please check your telephone, landline. Sure. I just noted that down. I've noted that down, and I might tell my head office is right in front of me. Hey, Jake. I'm having trouble hearing him. Jake, where are you? There's so many problems. This guy's complaining to me. He doesn't want a visa. What? Arya Baji, what's that? Can you please stop fooling around with me? Who is this? मैं गल कर रहा हूँ बाजी. हेलो, सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम. हाँ, मैं कह रहा हूँ. मेरी असिस्टेंट सी तुहाडा नाम निकला है लॉटरी च. यूएसए का वीजा निकला है तुहाडा. तो तुसी एक्साइटेड नहीं हो? ओ भाई, हम क्या अमेरिका के गुलाम है? मेरी बात सुनो, मैं कटाकट शो से कॉल कर रहा हूँ. मेरा नाम जैन है और मेरे साथ ये इनाया थी जो आपसे बात कर रही थी. और ये एक्ट्रेस है और ये सिंगर भी है, बहुत खूबसूरत सिंगर है. और ये साथ साथ यहाँ पे यूएस से आई हुई है ये. और ये चाह रही थी कि किसी से बात करा दें, किसी लड़के से मेरी. तो मैंने बात करा दी आपसे. तो हम क्या अमेरिका के गुलाम हैं? की बात पे अटक गया. अटक ही गया. ओ भाई, अमेरिका से कॉल नहीं की, कटाकट शो से कॉल की है. जैन बात कर रहा हूँ. ये शो है, प्रैंक शो है. ये कौन से चैनल पे चलेगा? बोल पे लगाना 10 बजे. आप अपना ख्याल रखें और प्लीज कॉल काट दें, कोशिश करें जल्दी. के हम अमेरिका से डरते नहीं है यार. की कॉल काट भाई. अमरीका बैठ गया. अच्छा, हमें कॉल की तरफ जाना है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं बात कर रही हूँ. छोड़े, क्या करेंगे जान के? ये तो जरूरी होता ना, आपसे बात करने के लिए कॉल दी. आपके फ्रेंड ने नंबर दिया है. ये तो बहुत पुराने दौर वाली बातें कर रही हैं हम, 92 वाली. नहीं नहीं, आपके फ्रेंड ने नंबर दिया लिटरली. चलें, अच्छा है. चलें, आपने बहुत पुरानी यादें ताज़ा करा दी. ये तो ओह रियली. जी जी. अच्छा, आप सिंगल या मैरिड हैं? मैं सिंगल हूँ, फिलहाल सिंगल हूँ. मतलब मिंगल होना चाहते हैं आप? आधे घंटे बाद निकाह है मेरा.
आधे घंटे बात निकल, व्हाट डू यू मीन? मेरे साथ तो नहीं है, किसके साथ है? नहीं, आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो किसके साथ है फिर? है एक खूबसूरत लड़की है, उसके साथ है। कौन है? आपने तो मुझे देखा नहीं, मैं भी हो सकता है उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। आई एम अ मॉडल डूड। ओ, आप मॉडल है? जी, 5'8" मेरी हाइट है। आपकी कितनी हाइट है? मेरी 6'1" है। ओ नाइस, फिर तो सही है। अच्छा, आप क्या करते हैं? स्टेट एजेंसी है हमारी। ओ नाइस, दैट्स गुड। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, कितने मंथली कितने कमा लेते हैं? मैं अनलिमिटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। अनलिमिटेड कितने फिर भी? नहीं, बिजनेस में से आप क्या पूछ रही हैं कि वो कितने कमाता है? अच्छा, आपके पास कार कौन सी है? कार कौन सी है आपके पास? हैं? कार कौन सी है? मेरे पास कार हमारे पास बहुत सारी हैं, शोरूम भी है ना हमारा अपना। ओह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो बताएं उसके लिए। ये क्या आपने ये मैरिज बोर्ड खोला हुआ है? नहीं, सीरियसली, मेरे हेलो, हाय, डू यू हैव एनी गुड लुकिंग? उसने दिया, उसने उसका नंबर दे दिया। हाय, एक्सक्यूज मी, उसका नंबर दे दो। आप मेरे फ्रेंड से तो बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, टोटली ओके। सो डू यू हैव एनी गुड लुकिंग फ्रेंड दैट इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग मिंगल और मे बी इज लुकिंग फॉर अ सीरियस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप? आपने गलत फोन किया है बीबी, मैं बताऊं, मैं ना इस टाइप का लड़का हूं, ना मेरे पर डायरियां हैं। No, I know you're not that sort of a guy. But you know, if you help somebody. आप लोग इतने डेस्परेट क्यों हैं? दोनों इतने डेस्परेट क्यों हुए हैं? अल्लाह माफ करे कि लड़के। I'm from Chicago. I just came from Pakistan, new. अरे Chicago कोई इतने वो मार्स से थोड़ी है, अमेरिका का स्टेट है। तो इसमें बड़ी कोई बात नहीं है ये। No, dude, listen, all I get is like Gora boys there. Gora boys पसंद नहीं है मुझे ना, actually. नहीं, पाकिस्तानी boys, Asian boys. क्या आप अमेरिकन हैं तो आपको हम मार्जिन दें। ये भी एक स्टेट है, अमेरिका भी एक स्टेट है, पाकिस्तान भी एक स्टेट है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप शिकागो से हैं। हम लोग कराची से हैं, लाहौर से हैं। तो हम लोग के ज़्यादा वो बनता है क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम वहाँ थोड़ी जाते हैं। अब ये देखो, आपको ज्यादातर अमेरिकन पाकिस्तान में नजर आएंगे, पाकिस्तानी अमेरिका में नजर नहीं आते क्योंकि वीजा ही नहीं मिलता। आपको मैं वीजा दे दूंगी, आप आ जाएं, आप कर लेंगे इंटरेस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ग्रीन कार्ड है। Okay. आपको बताएं, अगर मैं आपको सिटीजनशिप दिलवा दूंगी, ग्रीन कार्ड से सिटीजनशिप, ब्लू पासपोर्ट। आपने शिकागो में होटल रोज का नाम सुना है? होटल रोज, ओके, होल्ड ऑन, मे बी, आई डोंट नो. So what do I do? So what do? You're trying to impress me, telling me that you have a hotel there. You are lying. What is this? What's happening? Look, wait one second. Wait a second. You just told me. You just told me that I should not tell you that I'm from Chicago. Dude, I'm not impressed if you got a hotel or you have your own plot or you have a flat there. I give a shit. Don't try to impress me with your stupid skills. What you know? देखो वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा होटल है, होटल रोज वहाँ जाएं. यार, सबसे पहले भाई माजरत आपसे माजरत कर रहा, आपने इनको गोला छोड़ दिया था। हम लोग कटाकट शो से कॉल कर रहे हैं, बेसिकली ये मेरी गेस्ट हैं, ये एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, इनाया और वाहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और ये साया 2 अगर आप ड्रामा देखेंगे टीवी पे, घर पे पूछेंगे तो ये साया 2 की मेन ये हैं, वो जिनसे डरते हैं सब। तो आज भाई मसला है कि मेरी मसला ये है कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ होती नहीं है, अमेरिका में होती है। अच्छा, मैं भी बेसिकली अमेरिका से ही हूं वैसे। मैं अमेरिका, मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं भी। अच्छा, ये भी, ये असली में अमेरिका से हैं। ये मैं ये इंप्रेस करना चाहती थी शिकागो, तो मेरी पूरी फैमिली भाई अमेरिका में ही होती है, ह्यूस्टन में। अच्छा, इनको बता सकते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं होती। नहीं, हम लोग एक्चुअली मजाक कर रहे थे यार, आप प्रैंक कॉल, प्रैंक कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं मजाक है। हां, समझ गए, हां मजाक कर रहे हैं, समझ गया। तो बस आप ना ज्यादा टेंशन ना करिएगा, ना लीजिएगा, और बोल पे देखेगा रात 10 बजे। टेंशन क्यों लेंगे, आप टेंशन देखे तो देखो, मैं बताएंगे। चले, ओके ओके, थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह हाफिज़।
खैर इस वक्त हम लोग जाएंगे एक छोटे से तशहीरी वक्फे की जाने हम लोग जाएंगे कमर्शियल ब्रेक की तरफ कमर्शियल ब्रेक के वापस आएंगे कुछ मजीद प्रैंक कॉल्स करेंगे इनके दो दोस्तों को और एक इनका दोस्त और दो मेरे दोस्त बल्कि मेरे दोस्त तो आप ही लोग हैं तो आप ही लोगों के नंबर्स पे मैं कॉल करूंगा लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आएंगे इसे कंटिन्यू करेंगे दिस इज कट अ कट शो एंड वी हैव विनाया एंड वाहिबा विद अस साथ ही हकीकतन बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया देर आए दुरुस्त आए फाइनली सही जगह पे सही टाइम पे आ चुके हैं मेरे साथ दो खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं वी हैव इनाया एंड वाहिबा और इनाया से बहुत सारी बातें चल रही हैं और साथ साथ वाहिबा थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है खामोश तबीयत है बिल्कुल भी नहीं नहीं हो तो फिर तुम कॉल करोगी अब मैं चाहता हूँ तुम्हें कॉल करो और जिसको तुम अभी कॉल कर रही हो मेरे ख्याल में आपके दोस्त शाज़िल और वो एक्टर है और वो साया टू में क्या मेरे साथ ही था वो साया टू में ही वाज प्लेइंग द ब्रदर ऑफ मशाल खान अच्छा कैरेक्टर था उसका लेकिन उसका फर्स्ट प्ले था ओके उसमें भी असर आता है उसमें भी आता है उसमें भी आता है ओके तुमने वो ड्रामा देखा हुआ है तुम असिस्टेंट हो मेरी मेरा नाम है गजाली 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 साहब गजाली साहब आपसे बात करेंगे और प्रोडक्शन पूछेगा प्रोडक्शन मैं बात करूंगा बस सही है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हाउ आर यू कैसे हैं आप लुकमान बोल रहा हूँ लुकमान जी किससे बात करनी लुकमान आपसे बात करनी है आई सॉ योर यूट्यूब वीडियोस तो हमने देखी हमें बहुत अच्छी लगी वो मैंने अपने प्रोडक्शन के जो हमारे बड़े हैं मिस्टर गजाली उनको दिखाई उनको बहुत अच्छी लगी सो वी थॉट कि आपको हम एक ड्रामा ऑफर करें हाँ हाँ बिल्कुल तो आपने पहले कभी कोई ड्रामा तो नहीं किया ड्रामा तो नहीं किया अच्छा यूट्यूब पे किस टाइप की वीडियोस पोस्ट करते हैं क्या अपलोड करते हैं दोस्त है तो दो दोस्त हैं तो खड़े में देख रहे हैं तो एक बुढ़िया रोड क्रॉस कर रही है अच्छा। तो उसको रोड क्रॉस करा दिया तो फिर ये सब कुछ आप रियल में करते हैं या सिर्फ ये व्लॉग तक ही है नहीं नहीं देखें यार रियल लाइफ में कौन करता है क्योंकि सबको अपनी पड़ी आर यू सीरियस रियल लाइफ में कौन करे ओ माय गॉड तो YouTube पे दिखाने के लिए ना ड्रामे के लिए कॉल की थी मैंने आपको तो मैं बताई थी भूतिया नाम है ड्रामे का ठीक है जी 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 तो उसमें आपको भूत बनना होगा भूत का कैरेक्टर जो है वो आप करेंगे तो आप कर सकते हैं तो भूतनी का कौन कर रहा जी हमारे साथ बैठी है भूतनी इनसे बात करें जी अस्सलाम वालेकुम कॉन्फ्रेंस कॉल है जी यानी के अगर मैंने आपको बुलाना हो ड्रामे में तो आपको यूं बोलूं ना ओए भूतनी की इधर ये करना होगा ना नहीं तो आप तो खुद ऑलरेडी भूत होंगे ना तो आप कैसे भूतनी बोलेंगे एग्जैक्टली आप तो वाइफ बोलेंगे ना तो हम मिलके करेंगे क्या भूत तो हम हैं तो हम करेंगे क्या एक्टिंग आपको डराना होगा हमने हम दोनों पार्टनर्स होंगे डराना हमने जाके सबको डराना है मैं इनसे बात करता हूँ अस्सलाम वालेकुम कौन साहब बात कर रहे हैं खातून यहीं पे हैं मैं प्रोड्यूसर बात कर रहा हूँ ये ड्रामा एक्चुअली मैं बना रहा हूँ गजाली नाम है मेरा और आपका नंबर जो है इन बच्चों ने मुझे दिया था मेरे असिस्टेंट ने तो मैंने सोचा बात कर लेते हैं असल में आपके व्यूज़ वगैरह मेरा ख्याल है इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था उसमें आपके व्यूज़ आपके ज़्यादा किस में आए हैं आज तक भाई सबसे ज्यादा व्यूज मेरे आए थे 526 तो उसपे मैंने बनाई थी वीडियो के नेकी छोटी सी नेकी तो मेरी बात सुने मैं आपसे बजट की बात करूंगा अभी अभी हम लोग टेलीफोन एक ऑडिशन लेना चाह रहे हैं इनका एक टेलीफोन पे ऑडिशन अभी आप भी सुनेंगे हम भी सुनेंगे ये इनका कैरेक्टर है ये भूतनी का कैरेक्टर करेंगी उसके बाद आप भी भूत का कैरेक्टर अगर फोन पे कर सकते हैं तो ठीक है आपको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा आवाज आपकी सुन के आइडिया मैं करूंगा मैं रेडी हूं सर ओके पहले ये करेंगी अब आप पहले इनकी आवाज सुने ठीक है सर ओके एक्शन कहां चले गए थे तुम राशिद कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं सर एक्शन नहीं बोला आपने अरे आपके लिए अलग एक्शन थोड़ी बोलूंगा सर आपने यार एक ही एक्शन बोलूंगा ना मैं भाई आपके लिए अलग एक्शन बोलूंगा क्या अच्छा एक ही बोलना यार मुझे टाइम ज्यादा मेरे दोबारा डैड इंतजार कर रहे हैं उनके डैड इंतजार कर रहे हैं भाई दोबारा करेंगे ओके एक्शन सर दोबारा सॉरी सर कहां चले गए थे तुम राशिद कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारे कहने पे गया था और मैं अब वापस आ गया हूँ अपना
वेरी गुड भाई, हेलो। खौफ वाला भी दे दिया मैंने। अच्छा वैसे आप आवाज आपने बड़ी अच्छी निकाली है। अब आप मेरी बात सुनो, आपको आवाज निकालनी है, ऑडिशन में थोड़ा सा और लूंगा आपका जी। आपको दो तीन आवाजें, आप आवाजें निकाल लेते हो जी? जी आवाजें निकाल लोगे ना? दरवाजा बंद हो रहा है। हॉरर मैं बताता हूँ। देखो सिचुएशन ये है कि चुड़ैल जो है ना वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही है और उसने अपनी पावर्स के साथ ना दरवाजे को हवा से बंद कर दिया। आप दरवाजा बंद करने की आवाज निकालो। बंद करूं दरवाजा? दरवाजा बंद कर, असली में दरवाजा बंद नहीं करना भाई। आवाज निकालनी है। बंद हो गया दरवाजा, तेज हवा और वो तेज हवा के साथ। अच्छा खिड़की जो है उससे चांद नजर आ रहा है, चौदहवीं का चांद है और पर्दे जो है ना वो हिल रहे हैं। हवा की आवाज निकालो। पर्दे? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है सर। हाँ। मैं अभी आता हूँ। हाँ। ये भाई आप तो गए स्कूटर की आवाज निकाल रहे हो, अब टायर पंच होने वाला होता है। यार आप भाई, आपके चैनल का नाम क्या है? आपके चैनल का नाम क्या है? आपके चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब पे आपका चैनल है ना? मेरे चैनल का नाम है वर्ल्ड डिफरेंट। आप वाकई डिफरेंट वर्ल्ड के आदमी हैं। जिस तरह आप बातें कर रहे हो ना, आपकी बातों से अंदाजा हो गया मुझे। आप वाकई करेक्टर हो। आप जिस तरह की बातें, आप हवा की आवाज निकाल रहे हो, दरवाजे की आवाज निकाल रहे हो, जिनकी आवाज निकाल रहे हो। मुझे असल में किसी ने नंबर दिया था आपका और मुझे बताया था कि आपका यूट्यूब चैनल है। मैं कटाकट शो से बात कर रहा हूँ। मुझे किसी मेरी टीम मेंबर ने नंबर दिया था और बताया था कि आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर आप बड़ी तफरी वीडियोज डालते हो। ये प्रैंक किया था आपके साथ? प्रैंक किया है। तो आपको अगर शो देखना हो तो आप कल जरूर देखिएगा 10 बजे। बोल एंटरटेनमेंट से। तो प्रैंक? जी जी प्रैंक। तो बोल तो देते आप पहले, आप लोग तो क्या मजा थोड़ी आता पहले बोलते तो मजा ही नहीं आता यार। ठीक है, और आप तो उदास हो गए। क्या हो गया? नहीं ठीक है, अरे आप पूरा मान गए। क्या हो गया? पूरा मान गए। कुछ नहीं है, सही। आपको अच्छा ही लगा? क्या बुरा लगा आपको? नहीं बुरा नहीं मान गया, तो बुरा तो नहीं मान, बस दिल छोटा नहीं करें। टीवी पे आपकी आवाज तो आ गई ना, कोई बात नहीं, आप भी टीवी पे आ जाओ। बस आप यूट्यूब पे जो करते हैं वो असली में भी करना सीख लें। हाँ, लोगों की मदद करो यार, मदद करें लोगों की ज्यादा से ज्यादा। वो तो बस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। सॉरी यार, अल्लाह हाफिज। तो अभी हम लोग मजीद बातें करेंगे इनसे और अब जाके कॉल्स हमारी कम्प्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे एक चीज का मुझे इंकशाफ हुआ यहाँ पे इनसे बात करते करते कुछ ही देर में, कि बहुत सुरीली और बहुत पाए की और बहुत अच्छी सिंगर है। और जब सिंगर कोई मेरे सामने आता है तो फिर मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे अंदर का सिंगर जाग जाए। मैं कहता हूँ फिर क्या सिर्फ म्यूजिकल बात हो, लेकिन ऑब्वियसली इस शो में हम लोग पूरा टाइम तो म्यूजिक की बात कर नहीं सकते थे। तो अब जाके मुझे मौका मिला इनसे बातें करने का। सो इससे ये बात नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट गाना गाएंगे। मैं चाहूंगा कि अपनी सुरीली आवाज जरा दुनिया को सुना। ओके मैं गाऊंगी तो सही, लेकिन आप भी मुझे आप स्टार्ट करो। हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग कसूरी? जो भी बच्चे जो बच्चे भी पैदा हुए हैं ना, उनको भी याद होगा। सही बात है। चलें फिर आप स्टार्ट लें, फिर मैं आप मुझे अपना स्केल बताएं, मैं आपके स्केल्स पे आ जाता हूं। ओके भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस दूरी नू साथ तेरा है पर तेरा पूरा कर जरूरी नू हार से आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा दे सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू वारी में जवा में तेनु बुलाव कल सारी ता होवे ओ मेरे ढोल जुदाया दे ओ तेनु खबर कि वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ हाँ बढ़िया बनाया दे ओ गल बात कि वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। अगला वाल जबूरी नू आन जान दे पसूरी नू जहर बने हाँ तेरे भी जावा मैं पूरी नू आना से यू नहीं आया दिल बाग बाग मेरा तगड़ाया कागा बोल दस जावे पावे क्यों दी चूरी नू रावाच पावाच तेनू लुकाव कोई मैनू ना रोके ओ मेरे डोल जुदाइया दे क्या बात है यार,
बहुत ज्यादा बहुत ही यू आर सो गुड थैंक यू अच्छा बिल्कुल एक एक डुएट करेंगे हम लोग साथ बहुत अच्छा लगेगा एक गाना गाएंगे साथ आगे चल के मुझे बताओ कि फेवरेट म्यूजिशियन कौन सा है पाकिस्तान करंट ओह ओह वाओ ओके इट्स हार्ड टू मुझे ऑप्शंस हैं तो दो तीन तो मैं बता क्योंकि सभी बहुत अच्छे ओके ज़ुल्फी हां शुजा रोहिल हयात ओह ही इज गुड सो या एंड Shani Irshad. Shani Irshad is also good. And Mohsen Iladitta. Yeah, he's also good. He's also good. Sare acche. This is very, very hard to. Pakistani singers. No, yeah, Indians. Obviously, sab Pakistan mein pata nahi hai. Nahi, mujhe nahi pata. Main sirf Atif Aslam, Asim Azhar bas. Bas in dono. Ali Zafar bas. That's it. Mujhe Shahzad role bahut pasand hai. Zara Kangana. Oh, I love his voice. It's just so good. उसकी आवाज है और फाकिर की भी अच्छी है आई लाइक फाकिर जो है ना उनकी आवाज हां वेरी नाइस अच्छा अभी इनमें से तो कोई सेलेक्ट करो अभी इनमें से तीसरे नंबर पे कौन से थे मैं तो खुद भूल गया तीसरा कौन सा था रोहिल हयात रोहिल हयात इज गुड आई लाइक हिज म्यूजिक ओके फेवरेट सिंगर शहजाद रॉय आई लव हिज वॉइस ओके शहजाद रॉय की मिमिक्री कर सकती हूं श्योर ओके ओके दैट्स वेरी सो अपने फेवरेट सिंगर की मिमिक्री करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उसके इतना सुनते हो तो आप उसकी तरह गाने की कोशिश भी करते हो बिल्कुल 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 एक बार कह दो तुम्हें प्यार है ना झूठा ही सही इकरार है क्या क्या प्यार यही दिल को दुखाना प्यार को मेरे तुमने समझा है क्या प्यार को मेरे तुमने समझा है क्या क्या बात है यार पहली बार मैंने कोई लड़की देखी है जो शहजाद रॉय की आवाज अच्छा एक्चुअली बेसिकली हम यूएसए में थे तो मैंने हमारे घर में बहुत अच्छा उस वक्त बहुत ज्यादा करंट था फाकिर की आवाज फाकिर की होंगे कभी हम जुदा मैंने ये सोचा न था कि सितम तू बता क्यों हुआ जिया न जाए तेरे बिन साथिया यादों में तू है रात दिन साथिया बहुत पक्की है ये अच्छा तुम्हें गाने का शौक है चलो मैं तुमसे बिल्कुल सुनूंगा आती नहीं है जा रहा है ब्रेक की तरफ और ब्रेक पे वापस जाएंगे पहले फिर वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारे पास फीमेल शहजाद रॉय बैठी है शहजाद रॉय फीमेल के साथ साथ हमारे साथ वाहिबा वो खबरदीन उस वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे साथ ही जगह Welcome back once again, and we are live. Hamare sath maujood hain Inaya and Wahiba. ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे आने से पहले हमने गाने सुने जो कि इन्होंने बहुत कमाल के सुनाए लेकिन अब मैं एक गेम खेलूंगा अभी हम लोग फिल्म द ब्लैंक खेलेंगे खाली जगह पुर करें आपको याद है पुर करते थे खाली जगह तो अभी मैं बैक टू बैक कुछ खाली जगह पूछूंगा दोनों ने अलग अलग जवाब देना ठीक है आपका पहला फिल्म द ब्लैंक है मैं बहुत बड़ी डैश हूँ मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ ओके मुझे डैश बहुत पसंद है मुझे खाना बहुत पसंद है मुझे मैं बहुत पसंद हूँ ओके डैश के बगैर जिंदगी अधूरी है मोबाइल के मोबाइल जैसे दोनों का सेम मोबाइल मॉडल बनने के लिए डैश होना जरूरी है हाइट मॉडल बनने के लिए कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस बारिश में डैश अच्छा लगता है बारिश में नहाना अच्छा लगता है अभी को लगता है ऑब्वियसली बारिश होती है इसलिए हाँ पकौड़े भी अच्छे लगते हैं यस अच्छा जिस जिसने मेरे पैसे खाए वो बहुत बड़े डैश हैं जिस जिसने पैसे खाए अल्लाह तुम्हें पूछेगा नहीं वो तो जुमला ही चेंज कर दिया ना आपने वो बहुत बड़े डैश हैं अच्छा एक मिनट वो बहुत बड़े डैश हैं डैश हैं वो बहुत बड़े एक मिनट वो बहुत बड़े क्या यार कुछ दिल से कुछ बड़ा बोल दो बीप लगा दो
अरे जिंदगी का मजा तो डैश में है। जिंदगी का मजा तो डैश में है। मोबाइल में है। मोबाइल में? मोबाइल मजा? ओके। मोबाइल के बिना जिंदगी अधूरी है। डैश हासिल करना चाहती हूँ मैं। बहुत पैसा, पैसा हासिल करना चाहती हूँ। पैसा हासिल करना चाहती हूँ। ज्यादा व्यूज लाने के लिए डैश दिखाना जरूरी है। टैलेंट, टैलेंट दिखाना जरूरी है। ओके अच्छा सिंगर बनने के लिए आज के जमाने में डैश जरूरी है। अच्छा सिंगर बनने के लिए आज के जमाने में डैश बनना जरूरी है। हाँ, डैश जरूरी है। डैश जरूरी है। मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मतलब उसको उर्दू भी आता हो तो इंग्लिश भी आता हो तो वो अच्छे से एडजस्ट हो सकता है सिंगिंग वाली। ओके अब मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, ठीक है? उनको तुमने मशवरा देना है। ठीक है पहला नाम है आयशा उमर। आयशा उमर कोई मशवरा नहीं। नो मशवरा। नो मशवरा। नो मशवरा। आयशा उमर नो। ओके अच्छी है। अच्छी है बस। अच्छा चलो आयशा उमर, अगर आयशा उमर ना होती तो वो क्या, मतलब एक्ट्रेस ना होती तो वो क्या होती? वीजे होती। आई थिंक शी कुड बी गुड टीचर। टीचर इमरान खान। इमरान खान जो करें सही करें। इमरान खान को क्या मशवरा दें? अच्छा तुम्हारी बला से मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुम्हें जिसका नाम दिया तुम मेरे सही है वो तो अच्छा। हाँ, है तो वो भी इमरान अच्छा खान है। को क्या मशवरा दे सकते हैं यार? अच्छा मैं बगैर अब की कोई शीट पढ़े पांच उन अंडररेटेड एक्ट्रेसेस के नाम लो जो तुम्हें लगता है कि यार ये बहुत आगे होने चाहिए। सबा कमर, सज्जल। एक्ट्रेस ना, एक्ट्रेस को आगे होना चाहिए यार। सबा कमर और बहुत नाम है उसको, और आगे होना चाहिए ना। अच्छा और सज्जल। सज्जल हाँ और एक सेकंड उसको भी और आगे होना चाहिए। तीसरा नाम बता रहा यार। मैं एक बात हूँ, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं ड्रामा वगैरह नहीं देखती। क्या देखती हो? व्लॉगिंग। व्लॉगिंग। चलो तुम्हारे फेवरेट पांच व्लॉगर्स बता दो और आसान करते हैं। ब्रांड। ब्रांड? ब्रांड? ये कौन है? ब्रांड अमेरिकन व्लॉगर है। अच्छा और पाकिस्तानी व्लॉगर्स कौन है तुम्हारे अपने अलावा? जैद अली, शावी जाफरी। हां ठीक है ठीक है गुड। और आई एम डूइंग गुड। बस इन दोनों को देखती हूँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इन दोनों को देखती हूँ, बाकी तुम पाकिस्तान में मुंह नहीं लगाती। ओके अच्छा वो लोग बताओ हाँ। दो जिनका तुम्हें लगता है कि यार अब इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बहुत कर लिया एक्टिंग इन्होंने, अब उनको बस अभी आराम करना चाहिए। वेल आई थिंक कि वेल आई थिंक कि अगर हम लोग जैसे मूवीज में हुमायूं से दैट अदनान सिद्दीकी, दे आर रियली गुड एक्टर्स आई मस्ट से, लेकिन हमें थोड़ा न्यू लोगों को भी थोड़ा चांस देना चाहिए। अदनान सिद्दीकी एंड हुमायूं सईद को, दे आर गुड आई एम सेइंग, अब उनको प्रोडक्शन में आना चाहिए, एज एन एक्टर नहीं आना चाहिए। दे आर ऑलरेडी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में तो ऑलरेडी नहीं, एज एक्टर नहीं आना चाहिए। एज एन एक्टर आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे न्यू कास्ट को भी जरा आगे। न्यू कास्ट आपको लगता है? अच्छा आपको लगता है कि न्यू कास्ट के अभी आगे आने के लिए बहुत मसाइल हैं? लेकिन अभी तो जो नजर आ रहा है वो ये नजर आता है कि व्यूअर्स को, आई मीन व्यूअरशिप को देख के या फिर फॉलोअर्स को देख के लोग ज्यादा ड्रामों में कास्टिंग करते हैं। ऐसा भी हो रहा है, अगर आप बहुत, आपके बहुत सारे मिलियन व्यूअर्स हैं, शूट्स भी ऐसे होते हैं, तो आपको तो इंस्टाग्राम आईडी दिखाओ पहले। जी बिल्कुल, आजकल तो सिलेक्शन ऐसी होती है, आप इंस्टा लिंक भेज देते हैं, उसी से आईडिया हो जाएगा कि आपको लेना या नहीं लेना। बहुत मजा आया और हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे इस महफिल को कंटिन्यू करेंगे, और वापस आके हमारे पास एक आउटडोर प्रैंक है वो देखेंगे, आउटडोर कटा कर इसको क्या बन रहा है, लेट्स सी साथी चेक। Welcome back once again and seriously thank you very much. और मेरे साथ दो प्यारी प्यारी लड़कियाँ मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं और बहुत कमाल का प्रैंक ऑलरेडी कर चुकी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक आउटडोर सेगमेंट भी होता है, हम लोग आउटडोर कटाकट करते हैं, सो लेट्स सी आउटडोर कटाकट में आज हमारे जो उबैद लवली नाम है उनका वो आज क्या करने वाले हैं, लेट्स सी चेक करते हैं। उबैद भाई रेडी रहो, हाँ यहाँ से कनेक्टेड हो आप, लेट्स सी क्या होता है। अरे भाई ये गुलशन इकबाल का एड्रेस है, तुम यहाँ घूम रहे हो तारिक रोड के अंदर, यहाँ थोड़ी है ये। हाँ 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 ये कैसे समझो मैं,
यहाँ से सीधा वापस चले जाओ। अरे आगे चौरंगी आएगी, चौरंगी उल्टे हाथ पे मुड़ जाना, उल्टे हाथ पे मुड़ के सीधा जाओगे पुल आएगा, पुल उस पर नहीं चढ़ना, उसके साइड से एक रास्ता है वो यूं मुड़ लो, सीधा चले जाओ, सीधे जाते रहोगे आगे जाओगे तो तुम्हें जौर के लिए कट मिलेगा, जौर के लिए उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे कट मिलेगा, एक ही कट होगा, सीधा रास्ता जा रहा होगा एक कट होगा, कट पे मुड़ जाना, कट पे मुड़ के सीधा चले जाओगे तो जौर चल, वहां से पहली गली जो आएगी वो वाली गली है। बहुत आला यार, बहुत आला, मजा आ गया। सीधा बोलो ना, तुम लोगों ने तो मजाक लगा के रखा, मजाक नहीं, मैं बोल नहीं सकता, मैं इतनी देर से बोल रहे थे, बोल नहीं, आप चश्मा लगाए हुए थे, मैं समझा आप देख नहीं सकते, नहीं हाँ मुझे भी अंधे ऐसा लगा कि आप देख नहीं सकते ना, बात आप बुरा ना माने यार, तुम लोग टाइम जाया करा, टाइम नहीं, असल में मैं सुन नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ, ये बोल सकता नहीं है, ये सुन सकता है, ये है हमारे साथ तेरा मसला है ना, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई है यार, आप तो नाराज हो रहे हैं, जरा सा एड्रेस पूछ लिया इतना नाराज हो रहे हैं, जैसे पता नहीं इनसे बाइक का पेट्रोल मैंने मांग लिया, तुम लोग नहीं है आप का पेट्रोल जाया करा रहे हो, नहीं आपसे मैंने पेट्रोल थोड़ी मांगा, आपने आपने रोक दिया ना बीच में, टाइम तो हम भी तो, हमें भी तो कहीं जाना है, एक आदमी मेरे 2500 रुपए खाया हुआ है, मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, ये एड्रेस दिया हुआ उसने, मैं ढूंढ रहा हूँ मैं कैसे लोगों से, तो मेरे भाई तारिक रोड में कहा गुलशन का एड्रेस ढूंढने निकल गया है, एक तो बोल सकते हैं अगले को उल्लू बना रहे हैं कि बोल नहीं सकते, आपको उल्लू बनाने की जरूरत है, बने बने उल्लू हो इनकी ना कुटाई होनी चाहिए, है ना, ऐसे बनता है इनकी कुटाई होनी चाहिए, इनकी कुटाई करवाते हैं, करो कुटाई, अबे भाई तो बात सुनो ना, ये बात दूसरों का टाइम जाया करने के लिए, आप बोलो मैं आपको उल्लू बना रहा हूँ, उल्लू थोड़ी बना रहा हूँ, आप तो बने बनाए उल्लू हो यार, नाराज क्यों हो रहे हो, किस तरह कर रहे हो, किस तरीके से बात करूँ, क्या मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, क्या कोई आपसे कोई मतलब, डोरे डालने लग गए, तुम आ गए चश्मा लगा के मेरे पीछे पड़ गए, क्या टाइम जाया कर दिया, मैं क्या सेल लेके भाग गया आपका, पकड़ के कूटूंगा यहीं पर ही, कूटोगे क्यों यार, बहुत हंसी आई मुझे यार, कमाल, बस बस रिवील कर दो, प्लीज रिवील कर दो, आप पारी की घूम रहे हो यार, आप कौन सा काम से निकले हो, क्यों मैं क्या गर्म मसाला हूँ, मुझे कूट दो यार, बातें कैसी कर रहे हो यार, ये बात कैसी कर रहे हो मुझसे यार, ये जरा सा इनसे एड्रेस क्या पूछ लिया, ये तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं जैसे इनसे पेट्रोल मांग लिया मैंने, टाइम बर्बाद कर दिया यार, देखो ये कितने अच्छा आदमी है, सॉरी बोल के चले गए, सॉरी बोलो मुझसे भाई जान, बात सुने, इधर आए, नाराज ना हो, नाराज ना हो, नाराज ना हो, कटाकट के लिए प्रोग्राम हो रहा है, वही कैमरा लगा हुआ है, कटाकट शो के लिए जैन भाई देख रहे हैं स्टूडियो में बैठे हैं, वो कैमरा लगा हुआ, आते लाते ओके जी, ये हमारा आउटडोर सेगमेंट था, आई एम श्योर कि आपको ये सबसे अच्छा लगा होगा, ये सबसे बेस्ट था, थैंक यू सो मच इनाया, थैंक यू सो मच वाहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए और आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा, ऑलवेज रियली फन, आपने मजा किया होगा, दोबारा भी आएंगे, दोबारा इस बार जब आप आओगे ना तो मैं काम करूंगा, अपना गिटार रख लूंगा, बिल्कुल जैमिंग होनी चाहिए, जैमिंग करेंगे बैक टू बैक, जैमिंग डन हो गया, कोई कोई चीज कुछ बात कोई कहना चाहोगी आप दोनों के कैमरे अबाउट कटाकट, जिनकी आवाज में भी कह सकती हो, वेल आई वॉन्ट टू से दैट कि मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे, एंड सबसे बढ़िया ये कि जिनके सामने प्रैंक्स किए हैं प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, एक फन है, एक फन पार्ट है, तो हम तो सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए इस तरह से कर रहे थे, तो आप सो सॉरी फॉर दैट, एंड ऑल्सो आप लोग जरूर देखेंगे कटाकट शो, इट्स अ वेरी फन शो, यू गाइस शुड डेफिनेटली वॉच इट, एंड इट कम्स ऑन 10 PM फ्रॉम बोल एंटरटेनमेंट, सो डोंट फॉरगेट टू मिस इट, वाहिबा, सो वी आर रियली इंजॉइंग हियर विद ज़ैन ऑब्वियसली, और मुझे नहीं पता था आप सिंगर भी हैं, आज पता चला, मैं शो की बात बताऊंगा मैं क्या क्या हूं, और ये पता चला यही पता चला ही इज मैरिड, ही हैव अ 2 kids माशाल्लाह, सो और अगेन मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको यही पता चला पूरे शो में बहुत कुछ पता चला, शी इज ऑल्सो अ सिंगर, अच्छा ये एक्ट्रेस, अच्छा हमें पता चला कि आप ब्लॉगर हैं, यहाँ पे ये शो नहीं था, इसमें आपने एक दूसरे को जाना है, जी जी जी, तो ये और जो प्रैंक्स करें वो लोग बुरा ना माने, और जो
बता रहे थे कि हम मदद करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, वो रियल में भी करना एट वो यूट्यूब के लिए करते हैं सिर्फ कह रहे हैं, रियल में भी शुरू करना, अभी सबको पता चल गया है. नॉट एवरीथिंग गाइस, एग्जैक्टली नॉट एवरीथिंग. थैंक यू सो मच भाई, बात थैंक यू सो मच नाया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और खौतीन उस्ताद आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया. आप लोगों का फीडबैक मुझे मिल सके थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब, थ्रू ट्विटर, जहाँ पे जाएँ ट्वीटें जितना ट्वीटना है आपको, या फिर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबा के सवाब हासिल करें, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे हम खुश होंगे, हम खुश होंगे तो सवाब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा. आज की महफिल, आज का शो, आज की बैठक, आज की कचहरी, आज का ये कटाकट शो यहीं पर ख़त्म होता है इंशाल्लाह. जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आप लोगों से अगले हफ्ते रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पे. Zen is finally signing out from the hot box of Bol Entertainment. God bless you all, God bless Pakistan, and finally Iman Allah. सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट, आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.